कल्पना कीजिए, यदि गौरा देवी हाथ में ढोलक लेकर कीर्तन कर रही होती तो क्या उत्तराखंड में चिपको जैसा आंदोलन होता? ठगुली देवी, जिन्हें हम तिंचरी माई कहते हैं, ऐसा कर रही होती, यानी कि ढोलक चिमटा थामे कीर्तन कर रही होती, तो क्या लंबे समय तक उत्तराखंड को नशे से दूर रखा जा सकता था? कल्पना कीजिए, भुवनेश्वरी कठैत, कमला पंत, कौशल्या डबराल, निर्मला बिष्ट, पद्मा गुप्ता जैसी हजारों महिलाएं, मुझे तुरंत यही नाम याद आ रहे हैं, ये तमाम महिलाएं सड़कों पर उतरने के बजाय ढोलक चिमटा लेकर कीर्तन कर रही होती तो उत्तराखंड राज्य मिल पाता नहीं ना? फिर किसने ये साजिश की कि उत्तराखंड की महिलाओं के हाथों में ढोलक चिमटा थमाकर उन्हें कीर्तनों में झोंक दिया और हकों के लिए लड़ने वाली जाबाज महिलाओं के इस राज्य को नशे और दुराचार में अग्रणी राज्य बना दिया? आइए आज इन षड्यंत्रकारियों की मिलकर पड़ताल करते हैं। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। दोस्तों, जन सरोकारों की बात करने के लिए मुझे कहीं से कोई पैसा नहीं मिलता, मेरी आमदनी का कोई जरिया नहीं है। आप यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो अंत तक नहीं देखते, लाइक और कमेंट नहीं करते, इसे दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचाते तो मेरी मेहनत बेकार चली जाती है। उम्मीद है आपने लगे हाथों लाइक और कमेंट कर दिया होगा। आगे बढ़े इससे पहले आप जरा स्क्रीन पर नजर आ रही इन खबरों की कतरनों पर नजर डालिए। ये हाल के दिनों की खबरें हैं। देहरादून के ISBT में एक नाबालिग लड़की के साथ रोडवेज बसों के 5 ड्राइवर और कंडक्टरों ने दुराचार कर दिया। रुद्रपुर में एक नर्स के साथ दुराचार किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। अल्मोड़ा जिले के सल्ट में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया। लाल कुआं में एक विधवा के साथ दुराचार किया गया। क्या उत्तराखंड की महिलाओं को इन घटनाओं की खिलाफत करने के लिए आगे नहीं आना चाहिए था? एक अच्छी बात यह है कि चमोली के घाट में, जिसका सरकारी नाम अब नंदा नगर हो गया है, वहां एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ के खिलाफ महिलाएं सड़कों पर आई हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, यह सेलेक्टिव विरोध है, क्योंकि यहां छेड़खानी करने वाला दूसरे धर्म का है, वरना ऐसे कैसे हुआ कि 5-5 लोगों द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में महिलाएं चुप रही और गंदा इशारा करने के मामले में सड़कों पर आ गई। दरअसल इस राज्य की जाबाज महिलाओं को ये सिखाने में बहुत मेहनत की गई है कि महिलाओं पर अत्याचार करने वाला यदि किसी दूसरे धर्म का हो तो विरोध करना है और अपने ही धर्म का हो तो कीर्तन में व्यस्त हो जाना है। सबके विकास का दावा करने वाली पार्टी की जीत का असली मंत्र भी यही है। इस राज्य में महिलाओं का वोट थोक के भाव इस पार्टी को जाता है। अब जरा ये वीडियो देखिए। बीच बीच में कुछ जगह वीडियो में आवाज मैंने बंद कर दी है, क्योंकि जो शब्द कहे जा रहे हैं वे सुने नहीं जा सकते। वीडियो देखिए फिर बताता हूं। ये समय 6:30 की बात। आज की बात सुन ले, कान खोल के बता दिया तेरे को मैंने। मैंने कुत्ता अंतरा में क्यों मारा? क्यों मारा? मारा क्या? मारा क्या? क्यों मारा? ये जो व्यक्ति लहूलुहान नजर आ रहे हैं वे एक पत्रकार हैं, नाम है योगेश डिमरी। ऋषिकेश में नशा तस्कर के खिलाफ लगातार खबरें दिखा रहे थे।
माफिया ने पुलिस वालों के सामने ही उनका जबड़ा लात मारकर हिला दिया, टांग तोड़ दी, सिर फोड़ दिया, पूरे शरीर में भी चोटें हैं, एम्स में भर्ती हैं। दरअसल योगेश डिमरी वो काम कर रहे थे जो काम इस राज्य में टिंचरी माई किया करती थी, दूसरी महिलाएं करती रही हैं, नशे का विरोध। लेकिन महिलाएं अब कीर्तन में व्यस्त हैं और योगेश डिमरी जैसे लोग नशे के तस्करों के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उनकी ये हालत कर दी जाती है, क्योंकि वो आमतौर पर अकेले होते हैं। दबाव के बाद शराब तस्करी के आरोपी सुनील वालिया के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई ऋषिकेश में और उसे गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन साथ में योगेश डिमरी और उन्हें बचाने गए दूसरे युवकों के खिलाफ भी FIR दर्ज की जाती है सुनील वालिया के घर की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में। अखबारों में मुख्यमंत्री की वाहवाही होती है कि आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करवा दिया। वाह भाई, सरकार के हिमायती पत्रकारों, क्या शानदार पत्रकारिता कर रहे हो तुम लोग। उत्तराखंड की जांबाज महिलाएं किस तरह कीर्तनों में व्यस्त हैं, इसका एक और उदाहरण ऋषिकेश में ही नजर आया जब इसी मामले को लेकर एक महापंचायत हुई। 3 सितंबर को हुई इस महापंचायत में सैकड़ों लोग पहुंचे लेकिन महिलाएं नहीं आई। सिर्फ योगेश की मां और 10-12 दोषी महिलाएं वहां पहुंची इस पंचायत में। पंचायत की कुछ झलकियां आप भी देखिए। मैं यहां पे ज्यादा होंगी, यह हमारा दुर्भाग्य है। मैं, आप शायद मेरी बात को आखिरी बार सुन रहे हैं, इसके बाद यह हमला अपने आप में इस राज्य के भीतर, पूरे राज्य के भीतर, यह सब कोई ऋषिकेश का मामला नहीं है, इस राज्य के भीतर कानून व्यवस्था के राज को खुली चुनौती, और एक तरह से जो लोग सरकार सत्ता में बैठे हैं अगर उनका संरक्षण इनको नहीं है तो उनको भी चुनौती है कि सरेआम किसी भी व्यक्ति को ऐसे मारा जा सकता। जब जब जनता चाहेगी तब तक ऐसे योगेश डिमरी पिटते रहेंगे, आशुतोष नेगी, आशीष नेगी पिटते रहेंगे, इनकी पिटाई में हमारा हाथ है। योगेश डिमरी के ऊपर हुआ है साथियों, वो हमला योगेश डिमरी के साथ नहीं हुआ है, वो ऋषिकेश की सम्राट जनता के ऊपर हुआ है, उत्तराखंड की अस्मिता के ऊपर हुआ है। मुझे नरेश सक्सेना की एक कविता की लाइन याद आती है, गर्दन तक चलती छुरियों की खिस खिस शामिल है आपके कीर्तन के ढोल धमाकों में। ये जो कीर्तन के ढोल मजीरे महिलाओं के हाथों में थमा दिए गए ना, उनमें उन बच्चियों की चीखें शामिल हैं जिन्हें 5-5 बूढ़े और अधेड़ अपनी हवस का शिकार बना देते हैं। आपके ढोल मजीरों के धमाकों में उन महिलाओं की चीख भी शामिल हैं जिन्हें हवस का शिकार बनाकर मार डाला जाता है। आपके ढोल मजीरों के धमाकों में आपके बच्चों की खातिर लड़ने वाले योगेश डिमरी की कराह भी शामिल है जो नशा माफिया द्वारा जबड़ा तोड़ दिए जाने के कारण निकली है। आप सुनने की कोशिश करना, सुनाई देगी। मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उत्तराखंड में बच्चे तेजी से नशे की चपेट में इसलिए आ रहे हैं कि घर के कामों और कीर्तनों में व्यस्त माएं उन पर नजर नहीं रख पा रही है ठीक तरह से, जबकि नशे के तस्करों की नजर हमारे घरों के एक एक बच्चे पर है। कीर्तन कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन आपको कीर्तन में व्यस्त करके उत्तराखंड को जिस तरह से नशे और दुराचार की उपजाऊ जमीन में बदल दिया गया है उसे रोकने के भी प्रयास कीजिए। शायद हमें बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है जो मैं यहां आपको दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो देखिए। कीर्तन भजनों से अलग कुछ महिलाएं हैं जो नशे के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी हैं। ये वीडियो देहरादून का है। यहाँ महिलाओं और कुछ संगठनों ने मिलकर नशा विरोधी अभियान शुरू किया है। इस अभियान में राज्य आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाला उत्तराखंड महिला मंच भी शामिल है और प्रसिद्ध पर्यावरणविद और वैज्ञानिक डॉक्टर रवि चोपड़ा के संरक्षण में चलने वाला उत्तराखंड इंसानियत मंच भी। उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा निदेशक
नंद नंदन पांडे जी जैसे लोग भी पूरे समर्पण भाव से इस अभियान से जुड़े हुए हैं। नशा विरोधी जन अभियान के तहत अब तक देहरादून के पंडितवाड़ी, कोलागढ़ और नेहरू ग्राम में जन जागरूकता मार्च निकाला जा चुका है और आने वाले दिनों में अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह का मार्च निकालने की योजना है। अभियान से जुड़ी राज्य आंदोलनकारी कमला पंत कहती हैं कि युवा तेजी से नशे की चपेट में आ रहे हैं, नशा तस्करों को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, नशे की चपेट में आकर युवाओं की मौत होने की खबरें लगातार आ रही हैं। ऐसे में इस अभियान को पूरे राज्य में चलाने की जरूरत महसूस की जा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नशे के खिलाफ लड़ाई में शामिल होना हम सब के लिए जरूरी हो गया है और महिलाओं के बिना कोई आंदोलन सफल नहीं होता, ये इतिहास बताता है। यदि महिलाएं कुछ समय के लिए ढोलक चिमटे एक तरफ रखकर इस लड़ाई में शामिल नहीं होती तो आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। हम मातृशक्ति से सिर्फ निवेदन कर सकते हैं कि इस राज्य की महिलाओं ने जो नजीर पेश की है इतिहास में, उन्हें आगे बढ़ाइए। और हाँ, आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो लाइक कमेंट के साथ शेयर भी जरूर करना। यदि आप समर्थ हैं तो अपनी जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग भी जरूर करना। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज फॉलो करें। बात बोलेगी.com भी जरूर देखें। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।